बाद एक ऐसे दो हमले और दोनों जगह उभर कर आया एक ही नाम हीरो। तो क्यों छोड़ा हीरो ने अपना सिग्नेचर यहाँ? क्या ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा नहीं करते कि ये काम उसी हीरो का है? कहीं उन एलियंस ने फिर से, और वहां मेरा नाम किसने लिखा? ओ गॉड, मुझे वहां जाना चाहिए। अब कीड़ा खुद रेंगता हुआ कीचड़ से बाहर आएगा। आओ अंगूठी धारक, आओ, मुझे इंतजार है तुम्हारा। अरे कहाँ जा रहा है? एक काम है छोटा सा, अर्जेंट है क्या? हाँ हाँ चल, मैं भी चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? बाहर कितना अनसेफ है, मैं चल रहा हूँ ना तेरे साथ। कुछ अनसेफ नहीं बंटू, तू घर जा प्लीज। अरे प्रॉब्लम क्या है यार, मैं चल रहा हूँ ना। बंटू क्या बचपना है यार, कभी कभी ना तू हद कर देता है। जरूरी है क्या कि मैं जहां जहां जाऊं तुझे अपने साथ लेकर जाऊं? तू घर जा प्लीज। सॉरी ब्रो, जानता हूं तुझे बुरा लगा होगा, पर डेंजर में भी नहीं डाल सकता मैं तुझे। इसी रीजन से अभी मैं नहीं बता सकता कि मैं ही हीरो हूं। इसने ऐसे तो कभी मुझसे बात नहीं की, इसका मतलब यही है कि वीर कोई प्रॉब्लम है। आज तुम्हें पता करके ही रहूंगा कि बच्ची मुझसे क्या छुपा रहा है। भैया उसका पीछा करना, चलो भाई। जारा आपका तो ऑलरेडी एक कनेक्शन है इनविजिबल मैन से। व्हाट, कैसे? अरे हीरो आप ही नाम दिया था ना। हीरो? होल्ड ऑन, मैंने कोई नाम नहीं दिया था। आप भूल गई? आपको याद है आपके फिल्म इवेंट के वहां जब अटैक हुआ तो ऊपर वो इनविजिबल मैन खड़ा था और आपने इसकी तरफ पॉइंट करके यू कॉल्ड हिम हीरो, रिमेम्बर? वो मैंने उसके पीछे एक साइन बना था हीरो का, उसकी तरफ पॉइंट किया था, इनविजिबल मैन की तरफ नहीं। ज़ारा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो हीरो ही हमारा सेवियर है, तभी आपने उसका नाम हीरो रखा। प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। वैसे भी आई थिंक इस वक्त आपका फोकस उस बात पे होना चाहिए कि जो मेट्रो ब्रिज वाला इंसिडेंट हुआ है वो उसी ने किया है कि नहीं। ओके, कैसे? आप उसका इंटरव्यू लो, वो बात भी करता है। हाँ, अब आपको कैसे पता, आपने बात की है उससे? कौन है? मैं हूँ। ज़ारा, I was just assuming, करता ही होगा बात, क्यों नहीं करेगा? आपने देखा है उसे? देखूंगी कैसे, वो इनविजिबल है, राइट? तो क्या वो हर वक्त इनविजिबल ही रहता है? ना ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ना ही सेक्रेटरी, हाउ वुड आई नो? इनविजिबल ही रहता आया है वो आज तक, राइट? इसका मतलब आप उसको पर्सनली जानती है? ऐसा कब कहा मैंने? ज़ारा आप मुझसे बेहिचक सब कुछ शेयर कर सकती है। I'm sorry, Naila, no comments. Okay, thank you. अब तो मुझे भी पता करना है कि ये हीरो आखिर है कौन। यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ गया? हेलो हेलो, किधर? तुझे पता नहीं अगर रास्ता बंद है? हाँ नहीं नहीं सॉरी, कहाँ चला गया? अगर इस अटैक की वजह मैं हूं और इसमें किसी बेकसूर की जान चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वीर, याद रखना कि तू हीरो है, असली हीरो, और हीरो
हार से पहले हार नहीं मानता। एक तो ये कि ऐसी हरकत हीरो कभी कर नहीं सकता, और दूसरा ये कि ये नाम मेरे पापा ने मुझे दिया है और इस नाम पे मैं कभी दाग नहीं लगने दूंगा। क्या रे राणे, नाम लिखा हीरो और काम करता है विलन का, एक बार हाथ में आएगा ना फिर छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। अरे एक आदमी की वजह से कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, एक आम आदमी कैसे ट्रैवल करेगा? सर वो सब तो कुछ भी नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान तो किया ही किया, नाइट ड्यूटी लगा के हमारी नींद भी खराब करती। नाइट ड्यूटी की पड़ी है, इतना नुकसान हुआ उसका कुछ नहीं है। सॉरी सर। ये चाय पिलाओ रे। यार ये चाय भी नहीं लेके आता है, चल चाय पे के आते हैं। ये नाम आपने मुझे दिया था पापा, और इस नाम को मैं कभी खराब नहीं होने दूंगा। अपने वतन का लहराता हुआ झंडा, ना इससे खूबसूरत कोई सीन है और ना इससे सॉलिड कोई फीलिंग। कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? राणे कोई नहीं है यहाँ पे, क्यों चिल्ला रहा है? चल चल चल, काम है बाकी, चल आजा। मैं हीरो नहीं हूं। नहीं भी नहीं थी। तू गायब हो गया, तू ही तो हीरो है, गायब हो गया तू। हे वीर, तू गायब हो गया, तू वापस आ, वापस आ। देख वीर कहीं जाना नहीं है, कहाँ है तू? देख तू वापस आ जा, वापस आ जा वीर। वीर उतार दी भी नहीं थी। पकड़ दिया, मैंने पकड़ दिया तुझे। बच्ची रुक, ये रिंग के अंदर है ना कुछ? यार मैं क्रेजी हो रहा हूँ वीर, प्लीज एक बार बता दे, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ वीर, तू हीरो है ना, बोलना। मैं हीरो। अच्छा, इस दिन बिल्डिंग के ऊपर तू था ना जो यार करके चिल्ला रहा था।
एलियंस के साथ तू ही लड़ रहा था ना? न्या, 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 न्या। अरे भाई क्या ताकत आ गई तेरे अंदर, अभी तो अपने को जिम जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तेरा फोटो, तेरा फोटो तो मैंने ही खींचा था। अरे तुझे फेमस तो मैंने किया है बच्ची। ओ ये रिंग तेरे को मिली कहाँ से? तू इतने दिनों से ये सब छुपा रहा था मुझसे? और रॉकी, जब रॉकी और जारा के बीच किस वाले सीन हो रही थी, तू बीच में आ गया था ना? गुड जॉब ब्रो। अब बता कि कब कब से कर रहा है तू और क्या क्या किया तूने? सुना एक बार गायब होके बता ना। मंटू यार कैसी सिर्फ भाई नहीं हो क्या तेरा? मैं कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं डांस करूं। अरे पूरे मुंबई को पार्टी देने का मन कर रहा है। ले पार्टी, ले पार्टी। अरे बच्ची तेरे को पता है बचपन से लेके आज तक मैंने सबको बोला था कि मेरा भाई जो है वो टैलेंटेड है। तेरे अंदर का टैलेंट मैंने ही पहचाना है। मैं ही बोलता रहता था सबको ये हीरो है, ये हीरो है। वीर तू है किधर? लेकिन वीर इधर। क्या बात है? अच्छी देख, अरे मैं तो हवे में उड़ रहा हूँ। लेकिन मजाक क्या अच्छे, तेरे को आइडिया भी है क्या इस पावर के साथ तू क्या क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज, सारा के साथ सेटिंग, तू हीरो वो हीरोइन, पिक्चर सेट है। अरे तेरी टीवी जीएफ का फोन है। नाम लिया और कॉल आया। हे बंटू, तुम डबिंग के लिए डेट्स मांग रहे थे राइट? अरे डबिंग के बारे में छोड़ो, अरे तुम्हें पता है वीर को क्या हुआ है? क्या हुआ वीर को? अरे मुझे भी जब पता चला ना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और बंटू फिक्रो फाइन, फिक्र हो रही है किसी को? What? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ तो फिर रहन दो ना। अरे बताओ तो, I mean, बताओ तो, इज़ ही ओके? कौन? वीर। अरे of course, वो बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी उसको, मैं बस उसे जूस पिलाने लेके जा रहा हूँ। ओके बाय। अच्छा सुनो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कहनी है तुमको। हाँ? ये जो डबिंग है ना, हम कभी भी कर सकते हैं। बाय बाय। बंटू वियर्ड है दोनों के दोनों। कुछ भी बोलता है तू बंटू। अरे कंसर्न थे यार, केयर करती तेरे लिए। चलना अपन चलते उसके पास। बंटू मस्ती के लिए पूरी लाइफ पड़ी है बंटू। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि वो हमला एलियंस नहीं तो नहीं किया था। एलियन? हाँ, मैंने उनकी दो एलियंस को मारा और वो ये लोग ये सब मुझे शायद हीरो को चैलेंज करने के लिए कर रहे हो, तभी तो उन्होंने वहां पर मेरा नाम लिखा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने नहीं आया तो वो दोबारा अटैक करेंगे। और बंटू मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी इनोसेंट को कोई नुकसान पहुंचे। ए बच्ची मेरे को तो ना एवेंजर्स वाली फीलिंग आ रही है इधर पे। वो एलियन हम पर अटैक करोगे? वी हैव द हीरो। अरे ऐसा मारेंगे ना, ऐसा मारेंगे ना कि तुम लोग की भुर्जी बना देंगे और फिर पाव के साथ खाएंगे एलियन भुर्जी। चाल बदल गई तेरी। क्या? एकदम चाल ढाल बदल गई है, कॉन्फिडेंस आ गया तेरे अंदर। ये वो रिंग का कमाल है ना? कुछ भी। अरे पता ना कहां से मिली? रुद्र प्रकाश। अच्छा स्टंट के बाद जब तू गायब हुआ था अंडर वाटर, इनफैक्ट मुझे वहां पर किसी ने पकड़ा भी था, तब मुझे नहीं पता चला था कि वो कौन है, बट नाउ आई एम श्योर कि वो एक एलियन ही था। उस दिन मुंबई डीआरएस में भी मैंने एक एलियन को देखा था और फिर पापा की सीक्रेट लैब में तो एक एलियन से मेरी लड़ाई भी हुई थी बंटू। पापा का सीक्रेट लैब, ये कब मिला तुझे? सब बता दूंगा बंटू। अरे यार तू क्या क्या छुपा रहा है मुझसे? तेरे हर फाइट में, तेरे हर स्टंट में, तेरे हर पंगे में किसने तेरा साथ दिया? बंटू भाई ने। अरे सब एक एडवेंचर के बारे में बता देता, तेरा साथ दे देता यार। I'm so sorry भाई, आज के बाद नो मोर सीक्रेट्स, आई प्रॉमिस। तुझे तो पता ही ना कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, पापा को ढूंढना। तो जब ये रिंग मुझे मिली तो मेरे सर पे एक जुनून सवार हो गया कि बस अब इसकी मदद से मुझे किसी भी तरह पापा तक पहुंचना है, और इन सब के बीच में मैं तुझे बताना ही भूल गया। I'm so sorry।
कोई बात नहीं बच्ची, अभी तूने बता दिया है ना, अभी अपने को मालूम है, अभी एक एक करके सबकी बैंड बजाएंगे, तू बस बता करना क्या। इन एलियंस का पता लगाना होगा, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं। अरे ऑब्वियस है, देख सुपर हीरो फिल्म में क्या होता है, क्या होता है, जब भी हीरो प्रॉब्लम में फंसता है तो उसको सोल्यूशन मिलता है सीक्रेट डेन में, और तेरा सीक्रेट डेन है सीक्रेट लैब। क्या बात है बच्ची, करेक्ट, सही बोल रहा है बंटू, अभी तक पापा ने तो मुझे हमेशा गाइड किया है, हो सकता है सीक्रेट लैब में भी मुझे कोई क्लू मिल जाए। चल चल, हम सीक्रेट लैब जा रहे हैं, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं यार। सीक्रेट लैब हम आ रहे हैं, अब तुम्हारे और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। सिवाय 20-30 पुलिस वालों के। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि सीक्रेट लैब की एंट्री पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर है? हाँ, तुझे पहले बता देता तो तू खाली करवा देता। अरे अब क्या करें? देख मैं तो गायब होके जा सकता हूँ, तू कैसे जाएगा? काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाके आता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, हुआ क्या गायब? अबे यार, तो जब भी गायब होता है ना मेरा माइंड ब्लो हो जाता है। दे ताले। पैके दो। अबे फ्री की तो है, ताली देने में क्या है? दे। चल फुटेज मत का, जा। सो नाइस। शिंदे, कुछ पता चला हीरो कौन है? ब्रिज गिरा है ना उसने, खुद को हीरो समझता है ना, उसको तो मैं अरेस्ट करेगा। वाह, स्टंट हो तो ऐसा वरना ना हो। अरे ऐसे स्टंट तो भैया नींद में कर लेते हैं। हाँ यार, एक गटसी ब्रेव स्टंटमैन एक लड़की से अपने दिल की बात कहने में कैसे डर सकता है? मौका भी तो मिलना चाहिए। मौका मिलता नहीं है स्वीटी, मौका मनाना पड़ता है। मीनिंग भैया और ज़ारा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तब भी तो कुछ होगा ना, इस फिल्म की हीरो रंग की तरह। क्या बात कर रही, तूने स्वीटी क्या आइडिया दिया है? इधर बात सुन, बंटू। क्यों चौक गए, तू यहाँ कैसे आया? देख अगर तू सुपर हीरो है ना तो अपुन के पास भी सुपर दिमाग है, वो देख चाल काट के आ गया। कैसा लगा अपुन का भी स्टंट? ब्रुम ब्रुम। चल चल, क्या कर रहा है? इसके अंदर है। ओके मेरी तोता मैना, क्या बात आज मामा पे इतना प्यार? अरे आपसे प्यार नहीं करते हम? नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। मामा जी हम ना बॉलीवुड एक्शन रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। क्यों? अरे जैसे आपकी फिल्म है ये वाली। अच्छा अच्छा, तो उससे ना एक आइडिया आया। बताओ बताओ। देखिए हीरो तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, बट आपको हीरोइन से भी एक बहुत बड़ा स्टंट करवाना पड़ेगा। हीरोइन से? क्यों? अभी तो गर्ल पावर के टाइम है मामा जी, नारी शक्ति। अरे देखा नहीं आपने, तापसी कैसे बंदूक चला रही थी और कंगना कैसे तलवार, आजकल ऐसी फिल्में तो हिट हो रही है मामा जी। ठीक है, मैं सारा से एक मेगा स्टंट करवाता हूँ। यस गर्ल पावर। पर स्वीटी सारा स्टंट कर पाएगी? कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी, बस प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। बट ऐसे जबरदस्त एक्शन सीन के लिए
उसे ट्रेनिंग दे कौन सकता है? सोचना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रही हूँ, कौन दे सकता है? वीर, मेरा लकी चार वीर है? देखना अब इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। वेल डन गर्ल्स। थैंक यू मामा जी। सो प्राउड ऑफ यू। गर्ल पावर। गर्ल पावर। तो अंगूठी धारक, तुझ पर इस धमाके का कोई असर नहीं पड़ा। अब अगला निशाना उससे भी बड़ा, जहां होगी आबादी अब वहां होगा धमाका, फिर होगी उससे भी बड़ी बर्बादी। कौन सा है वो स्थान? ऐसे भीड़ वाले इलाकों की कमी नहीं है इस शहर में। अब मैं तेरे शहर को धीरे धीरे तब तक तबाह करता रहूंगा जब तक तू खुद चलकर मेरे सामने नहीं आ जाता। मेरी अगली चाल के लिए तैयार है तू? अदृश्य मानव। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.